नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज। रूस में संविधान संशोधन के लिए कराया गया जनमत संग्रह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। दरअसल जनता ने संविधान संशोधन के लिए कराए गए जनमत संग्रह में पुतिन की दावेदारी का समर्थन किया था। इस तरह व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक सत्ता पर काबिज रह सकेंगे। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को 2036 तक पद पर बने रहने का प्रावधान करने वाले संविधान संशोधन कानून पर जनता की राय मांगी गई थी। इस मतदान में जनता ने संशोधन को मंजूरी दी। कोरोना संकट और विरोध के बीच ये जनमत संग्रह 7 दिनों तक चला और बुधवार को जाकर समाप्त हो गया। संविधान संशोधन कानून के जरिए पुतिन का वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें 6-6 साल के 2 अतिरिक्त कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद मिलेगा। कोरोना वायरस महामारी की वजह से मतदान प्रक्रिया काफी धीमी रही। चुनाव बूथ पर लोगों की भीड़ ज्यादा नहीं रही, इसीलिए मतदान को पूरा होने में 1 सप्ताह का वक्त लग गया था। बता दें कि संविधान में किए गए संशोधन के लिए जनता का विश्वास जीतने के लिए पुतिन ने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। पुतिन ने कहा था कि हम उस देश के लिए मतदान कर रहे हैं जिसके लिए हम काम करते हैं और जिसे हम अपने बच्चों और पोते पोतियों को सौंपना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषक और क्रेमलिन के पूर्व राजनीतिक सलाहकार ग्लैब पोलेस्की ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को दरकिनार करते हुए राष्ट्रपति ने यह मतदान करवाया है। इससे उनकी कमजोरी का पता चलता है। उन्होंने कहा कि पुतिन को अपने करीबी नेताओं का विश्वास हासिल नहीं है और वह भविष्य को लेकर चिंतित है। यह मतदान इसलिए करवाया गया ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि जनता उन्हें पूरा समर्थन देती है या नहीं। वहीं विपक्ष नेता ने मतदान को लेकर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। विपक्ष का आरोप है कि पुतिन आजीवन राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। पुतिन रूस की सत्ता में साल 2000 में आए थे। हाल ही में एक निजी सर्वे एजेंसी लेवाड़ा के मुताबिक अभी भी उनकी लोकप्रियता रेटिंग 60% बनी हुई है। चुनाव निगरानी समूह गोलेस ने आरोप लगाया है कि मतदान की ऑनलाइन प्रक्रिया संवैधानिक मानकों को पूरा नहीं करती है। मतदान के लिए दबाव, मतपत्रों में गड़बड़ी, अधिकार के दुरुपयोग और अवैध प्रचार के मामले भी सामने आए हैं। तो इतनी मराठी खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारी न्यूज अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको देश और दुनिया की सारी खबर मिलती रहे।